जाएंगे आज रात। हाँ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि आज कुछ सच में है कि नहीं है। सही बात, ये लगती है हमें कि कुछ न कुछ कारण है कि जो गांव के लोग यहाँ नहीं रहते नहीं रहते। और क्या रीजन है बतानी? हाँ वो रीजन, लोग बोलते हैं भूत होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ नहीं है, एक भ्रम पाल रखा है अपना बस। तो यहाँ पे एक भाई है इसी गांव का, भाई क्या नाम हुआ? हाँ भाई बढ़िया भाई, क्या नाम हुआ? कहाँ हुआ आपका गाँव? तो क्या है फिर इसकी कहानी, कुछ है भूत भूत कहानी है सारी? अच्छा आप लोग जाते हो नीचे? दिखा आज तक भूत? कभी नहीं दिखा जी मेरे को। अच्छा क्या कहना चाहो? कभी यार मैं नीचे गया गांव में, गया ना। क्या कहना चाहोगे फिर इसके बारे में, जो ये लोग बागों ने, हमने भी ये सुना था कि यहाँ पे भूत भूत है इस टाइप से। हाँ भाई कभी नहीं देखा भैया हमने भूत भूत। अच्छा लोगों ने बस भ्रम पाल रखा है, भ्रम पाल लिया बस हो गया भूतिया गांव। आपको हवेली दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सामने जो दिख रहा है आपको, ये वाला सोहाला पे इसको बोलते हैं भूतिया गांव या इस टाइप से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 9:30 बजे से। आज हम है बनबसा रौतेला होटल दादा, बिल्कुल मतलब इस तरफ फोल्ड होल्ड करने की तैयारी में है। देखो पहुँच की आदत यहाँ भी नहीं जाती है, हम तो होते तो मतलब बिल्कुल ऐसे छोड़ छाड़ के चले जाते, इसने दोनों मतलब टनाटन बना दिए है बिस्तरा मतलब। और सोच रहा हूँ तकिया बहुत ज़्यादा है, एक दो तकिया घर में ले जाने की, पैक करे फिर तकिया। हाँ भाई बोलता नहीं है यार, भाई गॉड क्यों नहीं बोलता यार है? बोलता भी नहीं है यार, पोछा वोछा भी लगा दे भी नीचे है, लगा दे पोछा। तो अभी रुके थे हम रौतेला होटल में, कल रात को पहुँचे यहाँ, और अभी हो रही है पिथौरागढ़ निकलने की तैयारी। बारिश लोग आएंगे तो क्या बताऊँ, उनसे मिल के जाएंगे। और बड़ा ही शानदार होटल है, मज़ा आ गया। और यहाँ एक हीरो दिख रहा होगा आपको, देखो ये कितना मस्त लग रहा हूँ मैं, बढ़िया अटन अटन ना, मतलब ये शीशा मतलब अगर निकलने वाला होता थोड़ा फोल्ड होने वाला होता तो ले जाके अपने रूम पे लगा देता घर में, इतना मस्त लग रहा होगा, हीरो लग रहा हूँ अपने आपको, देखिए नज़र लग जाएगी। तो दोस्तों नाश्ता भी तैयार होके आ चुका है, नाश्ता करते हैं फटाफट करके और फिर चलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ। नाश्ते में हमने मंगा रखा है आलू के पराठे, दही और चटनी। दादा बस ये क्या बताऊँ मैं यार, बहुत दुखी हो गया इस इंसान से, पबजी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उपाय होगा इसका, लगा पड़ा है। अभी हम करते हैं फटाफट से नाश्ता, नाश्ता करने के बाद निकलते हैं फिर पिथौरागढ़ की तरफ। तो चेकआउट का समय हो गया है, बैग वैग पकड़ते हैं और चलते हैं घर की तरफ। जब आके नाश्ता कर दिया, आलू के पराठे पहन लिए हैं, क्या देख रहा है, कुछ नहीं छूटा है यार, नज़दीकी है, निकाल दे उसको। तो निकल पड़े हैं घर की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ। चाबी देना पड़ेगा ना, तंदे उसमें लगा दें, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। तो होटल रौतेला से कर दिया चेक आउट, और गाड़ी भी इतनी गंदी हो रखी है, अब क्या बताऊँ, देखो बिल्कुल अब घर में जाके धो लेंगे। तो निकलते हैं, अब चलते हैं होटल रौतेला से पिथौरागढ़ की तरफ। तो बनबसा से निकल चुके हैं, अभी पहुंचने वाले हैं हम सिन्याड़ी, और आज भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी। तो फिलहाल अभी यहाँ से लगभग 3 घंटा और लगेगा पिथौरागढ़ पहुंचने में, और बड़े भाई साहब आज चला रहे हैं गाड़ी, थोड़ा बहुत लंबी रूट में देंगे तो जल्दी ट्रेन पे होंगे। लोग बोलते हैं भूत होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ नहीं है, एक भ्रम पाल रखा है अपना बस। तो यहाँ पे एक भाई है इसी गांव का, भाई क्या नाम हुआ? हाँ भाई बढ़िया भाई, क्या नाम हुआ? कहाँ हुआ आपका गांव? तो क्या है फिर इसकी कहानी, कुछ है भूत भूत कहानी है सारी? अच्छा आप लोग जाते हो नीचे? दिखा आज तक भूत? कभी नहीं दिखा जी मेरे को। अच्छा क्या कहना चाहो? कभी यार मैं नीचे गया गांव में, गया ना। क्या कहना चाहोगे फिर इसके बारे में, जो ये लोग बागों ने, हमने भी ये सुना था कि यहाँ पे भूत भूत है इस टाइप से। हाँ भाई कभी नहीं देखा भैया हमने भूत भूत। अच्छा लोगों ने बस भ्रम पाल रखा है, एक भ्रम पाल लिया बस हो गया भूतिया गांव में, भूतिया गांव। अच्छा तो फिलहाल जो गांव के भाई है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूत भूत कुछ होता नहीं है, एक भ्रम कर रखा है यहाँ पे कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, रात को जाने में डराते हैं। मेरे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है अभी तो वहाँ लोग गए हैं फिलहाल, गाय भाई पाल रखा है। तो आपको हवेली दिखाता हूँ मैं, ये देखिए
सामने जो दिख रहा है आपको ये वाला सवाला पे, इसको बोलते हैं भूतिया गांव या इस टाइप से। तो फिलहाल गांव का जो लड़का है वो बोल रहा है कि इस गांव में ऐसा कुछ मैटर नहीं है जो आपको आगे दिख रहा है कि यहाँ पे भूत हो या इस टाइप से, हम तो जाते हैं, बोल रहा है वो। कुछ लोगों ने इसको बस भ्रम कर रखा है, बोला पता नहीं क्या है यहाँ का सिस्टम। मैं आ रहा था खटीमा से तो मैंने कहा क्यों ना एक बार यहाँ पता कर ले कि सही में भूत होता है नहीं होता है। तो जब आप उस गांव में जाएंगे आज रात, हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करके आप अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि आज भूत सच में है कि नहीं है। सही बात। तो भाई बोल रहा है कि आज यही रुक जाओ, हमारे साथ गांव में जाओगे। और लेकिन सर हमें लगता है कि इतना अच्छा गांव है, हाँ, यहाँ पे अभी भी शासन प्रशासन ने लाइट की व्यवस्था नहीं कर रखी है। यहाँ पे गडेरी बहुत फेमस होती है बोलते हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे थोड़ा सिंचाई का व्यवस्था हो जाए, हाँ, और लाइट की व्यवस्था हो जाए। लाइट तो फिलहाल है शायद उधर, पोल तो है नीचे दिखे। अच्छा पोल है, इनका कहना है, हाँ, कि जो ये ग्रामीण है इनका कहना है कि लाइट है नहीं यहाँ पे। नहीं, उसके सामने दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, दिख रहा है। देखने से ये लग रहा है कि ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे, और यहाँ का फसल बहुत अच्छी होती है, गडेरी वगैरह। गडेरी, हाँ, गाय वाय तो दिख ही रहा है नीचे। हाँ, लेकिन जो भ्रांतियाँ हैं उसके पीछे कुछ न कुछ है सच्चाई। ये लगती है हमें कि कुछ न कुछ कारण है कि जो गांव के लोग यहाँ नहीं रहते, नहीं रहते। और क्या रीजन है बतानी? हाँ, वो रीजन पे तो हम हमें भी बहुत मालूम नहीं है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। रिसर्च का है ना। इतने अच्छे पहाड़ में, इतनी अच्छी उपजाऊ भूमि, और लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। लोकेशन बहुत अच्छी है, पहाड़ के बीच में, हम लोग पहाड़ी लोग, अपनी खेती के लिए बहुत शानदार जगह है। तो अभी देखते हैं, पता करते हैं, समय मिलेगा तो क्या बता चले जाए नीचे, हम भी देख ले क्या बता भूत पिशाच है नहीं है। तो इधर कटेरी बहुत अच्छी होती है बोला। अभी तो फिलहाल गए हैं वहाँ पे, लोग दिख रहा हूँ मैं यहाँ से, कोई लेडीज भी है वहाँ पे, गाय वाय भैंस, मतलब गाय वाय दिख रहा है, बैल वैल यहाँ से। मैंने भी बहुत सुना था यूट्यूब के थ्रू कि मतलब यहाँ भूत या इस टाइप से कुछ रहता है करके। यहाँ के गांव वालों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अफवाह है बस, एक अपने को अलर्ट करने के लिए। तो भाई से पूछा, भाई कि यहाँ पे एक कैफे टाइप का है यहाँ पे, तो पूछा इसको, ये बोल रहा है कि होता कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस बार रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, कभी समय लगेगा तो रात को वहाँ रुक के भी जाएंगे, रुकने भी जाएंगे, देखो क्या है इसके बारे में, और हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे।